प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, इंडियाज प्री हिस्टोरिक कल्चर। पहला प्रश्न, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृश्य से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए। तो ये आपका हो गया वेस्ट, ये आपका हो गया ईस्ट। सबसे पहले आएगा मदहा, फिर आएगा लेखिया, फिर पैसरा और उसके बाद बीरभानपुर। फिर से याद करते हैं, मदहा, लेखिया, पैसरा, बीरभानपुर, MLPB। क्या होगा? MLPB। सही सुमेलित करना है, पुरातात्विक स्थल हैं और वर्तमान स्थिति क्या है, कहां पर वो अवस्थित है। नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है, डीडवाना राजस्थान में है, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार करना या उसी को आखेट करना कहते हैं। वह स्थल जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले, मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है लहुरा देव से। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लेखनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ से। तो अगर मध्य पाषाणिक में देखा जाए तो पशुपालन 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 तीनों एक साथ याद कर लोगे, बागौर, लेखनिया और आदमगढ़, ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। तो इसी प्रश्न से ही आपका नया प्रश्न बन गया, उसका उत्तर मध्य पाषाण काल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मृत्या रहित नौपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया गुफ कराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नौपाषाण काल में। नौपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे बुर्जहोम और गुफ कराल। राख का टीला नौपाषाणिक स्थल संबंधित है संगन कल्लू से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत ने शुरू किया। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखिया। भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब में। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी छेड़ा। ताम्रास काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काश्य लौ युग का त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन ने। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे।
ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किया था एचडी फांकलिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैव चित्रों के लिए। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। अगला टॉपिक आपका है, अगली थीम है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, इंडस सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हड़प्पा पुरास्थल है और उधर फसल है, सूची को मिलाना है। चन्नू दड़ो से सरसों, हड़प्पा से तिल, कुंतासी से कोदो, हुलास से धान। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष मिले हैं धौलावीरा से। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है, सांड। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन से। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनावली। वह स्थान स्थल जहां से सौ पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई गुजरात में। अगली थीम है आपकी ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एरा। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज युद्ध लड़ा गया परुफणी नदी के तट पर। पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण है ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। सूची है एक तरफ वेद है दूसरी तरफ ब्राह्मण दिया हुआ है। ऋग्वेद कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ तैतरीय ब्राह्मण, सामवेद पंचविश खडविश अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तरण, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। एक वेदांग नहीं है स्मृति। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी था राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद।
महाभारत ग्रंथ का उपनाम है फत सहिष्णुणी संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बल एवं कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र को या इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परशुनी रावी नदी के किनारे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में अघन्य माना गया है गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था कुरु पांचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में मातेतमा देवी तमा नदी तमा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। जिंद अवेस्ता ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निकासा से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है बोगज कोई जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कठोपनिषद से। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुभा क्रमो नदी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अर्धायु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। कौफे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदों में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था परुफणी नदी के तट पर। अगली थीम है आपकी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। पॉलिटिकल स्टेटस इन 6th सेंचुरी बीसी।
जिम्स ऑफ महाजनपदाज एंड मगधा एम्पायर। फोला महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था चेदी वंश से। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया अजात शत्रु। मगध का सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। महापद्मानंद। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्ध चंद्राकार। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उदयन वाप उदत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगली थीम आपकी है धार्मिक आंदोलन रिलीजियस मूवमेंट। जैन धर्म की बात करते हैं। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, अतीफ दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। एक तरफ अवस्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ संबंधित तीर्थकार है। अवस्थल है आपका श्रावस्ती। तीर्थकार शंभोनाथ। काकंदी तीर्थकार सुविधानाथ। अयोध्या तीर्थकार ऋषभनाथ। पभोसा तीर्थकार पद्म प्रभु। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जामली। त्रिरत्न सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स सम्यक धारणा सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है जैन धर्म की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खल गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्ध मगधी भाषा में। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र में। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है जैनों का। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं अगम सिद्धांत। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया चार्वाक। बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति था सुबध। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह।
बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म और संघ को। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है यह कथन था बौद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त के अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने दो बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे दो बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु। सप्त पर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विशुद्धि मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी में। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध की बड़ी प्रतिमा बनाई गई कुफाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक था धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंदुसार के। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राजकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला बिहार के। अर्ध नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं देव और उसकी शक्ति का योग। गौतम बुद्ध के प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश। अगली थीम आपकी है भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है भीष्म पर्व का। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी इच्छुआकु राजवंश ने। एक तरफ देवता है दूसरी तरफ पहचान है। शिव की पहचान त्रिशूल से, विष्णु की पहचान चक्र से, गणेश की पहचान रस्सी या फंदा से, सरस्वती की पहचान वीड़ा से। एक तरफ दार्शनिक दूसरी तरफ दर्शन। रामानुज दर्शन था विशिष्ट द्वैत। माधवाचार्य दर्शन था द्वैत। निम्बार्क दर्शन द्वैता द्वैत। बल्लभाचार्य का दर्शन था शुद्ध द्वैत। मंडल मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं कहा गया है गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवद गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेफ नगर अभिलेख से। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ स्थित हैं जोशी मठ द्वारिका पुरी श्रृंगेरी। नैनार थे सयो धर्मानुयायी। सूची है दूसरी सूची से मैच करना है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग रामानुज विशिष्ट द्वैत। मध्वाचार्य द्वैता द्वैतवाद शंकर अद्वैतवाद। अगली थीम है आपकी मौर्य एम्पायर मौर्य साम्राज्य। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को।
आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था। जंगली मित्र शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। अग्निमित्र अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वयों के बारे में कहता है। बारहवां शिलालेख सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 8 वर्ष बाद। प्राकृति भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई कुषाण के शासन काल में। वह शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूप में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख नंबर 12। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर से। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था अरमाइक ग्रीक एवं खरोष्टी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत में आया 399 AD में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था मिस्र का। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन गोंटास। टालेमी फिलेडेल्पस जिसके साथ अशोक ने राजनय संबंध थे शासक था मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र में। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवण बेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक संस्कृता के सिद्धांत की बात कही गई है शिलालेख नंबर 12। अगली थीम है मौर्योत्तरकालीन भारत पोस्ट मौर्यन पीरियड ऑफ इंडिया। सिमुक संस्थापक था सातवाहन का। कादर्मक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है
हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण में भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 21 ईस्वी सन। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ कनिष्क के समय। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है काठियावाड़ के रुद्रावन अभिलेख से। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। बिना बिगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। फले फूले शुंग राजवंश के समय विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामायिक थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम योम शक संवतों में अंतर कितने वर्षों का है 135 वर्षों का। सूची एक से सूची दो को सुमेलित करना है। डिमिट्रियस हिंद यूनानी था। रुद्रदामन शक गोंडोफर्नीच पहलो बिम जो था वो कुषाण का था। अगली थीम है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण फॉरेन इन्वेजन ऑफ एंशियंट इंडिया। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेफ नगर में गर्म ध्वज स्तंभ बनवाया था हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। हिंद यवन शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे वो था स्ट्रेटो टू। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है बिम कडफिस को। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था पुरु पोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था मत्सग। मत्सग आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे कनिष्क का। अगली थीम है संगम युग चेर चोल पांड्या। संगम पीरियड चेरा चोला पांड्या। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शिखर की उपाधि धारण की राजराजा प्रथम। संगम ग्रंथ तोलक्का पियम आधारित है व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुराल। शिल्पादि कारम का लेखक था इलिंगु। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था स्थिर है तंजावुर में। अगली थीम है आपकी दक्षिण भारत का इतिहास चोल चालुक्य पल्लव। हिस्ट्री ऑफ साउथ डेक्कन इंडिया चोला चालुक्य पल्लवा। सूची एक तरफ है शासकों की दूसरी तरफ वर्ष दिया है। राज 1985 से 1015 ईस्वी। राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी। विक्रम चोल 1120 से 1133 ईस्वी। एक तरफ राजवंश दूसरी तरफ राजधानी। पल्लव की राजधानी कांची। कदंब की राजधानी वनवासी। पांड्य की राजधानी मदुरा। काकतीय की राजधानी वारंगल। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला। वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति नवल पावर हेतु प्रसिद्ध था चोल। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया राजा राजवन ने।
चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के शासन काल में वरियम उद्यान प्रशासन कार्य देखता था, टोटावरियम। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं ने स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे, स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की, राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था, मलिक काफूर ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, कुलोत्तुंगवन। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंगवन। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है, ह्वेनसांग। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य। मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या है? 634 ईस्वी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिनी अलंकृत करते थे पल्लों की सभा को। पल्लो राजा जिसकी उपाधि राजसिंह थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर बना था राजा राज के शासन काल में। सूची है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। धनंजय कुस्तलपुर का था, नीलराज अवमुक्त का, उग्रसेन पालक्का का, विष्णु गोपा कांची का। राजवंश राजधानी पल्लों की राजधानी कांची, पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी, काकतीय की वारंगल। अगली थीम है आपकी गुप्ता पीरियड, गुप्त काल। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमार गुप्त वन। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की, अस्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है काश्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख किए साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन से। 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है रेशम बुनकरों की श्रेणी से। सारनाथ की भूमि अस्पष्ट मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त। राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत, अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रमाणिकता में आस्था। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालवीय अग्निमित्र नामक का नायक था अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य ने। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह द्वारा।
सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है एरण से। कुमारगुप्त वन में मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों का। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ का किसका लेख मिलता है जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त। अगला है पोस्ट गुप्ता पीरियड गुप्तोत्तर काल। बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है मृद्रथ। विदेशी यात्री है भारत भ्रमण वर्ष है फाहियान 399 से 414 ईस्वी। ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी। इत्सिंग 671-72 से 693-94 ईस्वी। अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी। राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया गोपाल नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं अमरावती। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंज की विशेषताएं मिलती हैं अमरावती और नागार्जुनी कोंड। शासक जिसने चार अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया था परवरसेन प्रथम। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। छठवीं सातवीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहां शासन कर रहा था लाट में। कदम्बों की राजधानी वनवासी स्थित थी गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। इंडियाज एंशियंट आर्किटेक्चर प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। वह स्थान जहां पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है उदयगिरि गुफा विदिशा। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है चंद्र। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है वह भिक्षु थे नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं बौद्ध और जैनों के। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों द्वारा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कार्ले। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं वह केंद्र है कन्हेरी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। सांची के महास्तूप के चार तोड़ों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था दक्षिणी। सोनगिर जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है दतिया में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था अवन ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर की शैली में निर्मित है नागर में। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कांची में। अंकुर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्होंने भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासन काल में राणा कुंभा के। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम
नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लव द्वारा, वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से, दमन शैली में बना हुआ शिखर है। ग्वालियर का तेली मंदिर अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदी एवं जैन शैलकृत गुफाओं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। फूची वन को फूची टू से मिलाना है। स्तूप सांची में, चित्रकारी वाघ। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, एंशियंट लिटरेचर एंड राइटर, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेखक हैं। राव पंचाध्यायी नंददास ने लिखी है। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ने लिखी है। चैतन्य मंगल जयनंदा ने लिखी है। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती ने लिखी है। एक तरफ ग्रंथ है दूसरी तरफ रचयिता है। रागमाला जो है पुंडरीक विट्ठल ने लिखी है। रस कौमुदी श्रीकंठ ने लिखी है। राग विबोध सोमनाथ ने लिखी है। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन ने लिखी है। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा था ख्वाजा जियाउद्दीन नख सभी ने। मुद्रा राक्षस का लेखक था विशाख दत्त। फूची एक तरफ दर्शन है दूसरी तरफ प्रचारक है। न्याय दर्शन गौतम, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कणाद। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है, 102 अध्याय 8 खंड। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है खुद्दक निकाय। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है विशाख दत्त। दस कुमार चरितम के रचनाकार थे दंडिनी। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक डब्लू फेयर सर्विस। कल्लड़ की राज तिरंगड़ी को आगे बढ़ाया जोन राज योम श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे कुमारपाल की। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती है। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों को जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट ने। दौड़वाहों के रचयिता थे वाक्यपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मन द्वारा दिया गया सामाजिक अवसर था वात्र क्षत्रियों का फैलन क्षत्रियाज। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप की व्याख्या की है मनु ने। मानोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर थर्ड ने। अगला थीम है आपका पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी प्री मिडिवल पीरियड। फूची वन को फूची दो से मिलाना है। सर्ववर्मन अफीरगढ़ ताम्रपत्र, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख जीवित गुप्त द्वितीय देव वर्णार्थ अभिलेख। चंदेल वंश का प्रथम शासक नन्नुख। होशियाल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र में। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने।
रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजधानी थी होशियाल की, थोड़ी होयफल की। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम राजाओं की राजधानी थी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था यशोवर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था विद्याधर। जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था संगीत राज। विविध में आते हैं मिसलेनियस। वह पुरास्थल जहां से सुपारी के दो कार्बनीकृत बीज पाए गए वटगल। एक तरफ शासक है दूसरी तरफ राजवंश है। गोविंद तृतीय राजकूट वंश का था। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का। देवपाल पाल वंश का था। नरसिंह वर्मन पल्लव वंश का था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। सूची है पर्यटक आकर्षण। दूसरी तरफ स्थान कबीर की समाधि मदार जो कि बस्ती में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। एक तरफ राजवंश है दूसरी तरफ राजकीय प्रतीक परमार सूर्यदेव। मलय केतु वराह चंदेल राजलक्ष्मी गुर्जर प्रतिहार भगवती। एक तरफ बिहार है दूसरी तरफ आपका राजा। जगदल बिहार रामपाल। विक्रमशिला बिहार धर्मपाल। सोमपुर बिहार धर्मपाल। फलबन बिहार श्री भवदेव। शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजा था नरसिंह वर्मन। वन प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालीताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नाना देशी एवं नगरम। उद्दालक आरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरुपांचाल। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं, कहा था महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपजा का छठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार फायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं द्वारा। रेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। श्रवणबेल गोला में गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। चोलों की राजधानी थी तंजौर। टम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईस्वी पूर्व। खफरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी दस्तावेज। सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचानी जाती थी पुराना किला दिल्ली।